जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस की जानिब एक इम्पॉर्टेंट नोटिस निकला है। अगर आप कहीं पर भी कोई ड्राइवर जो रैश ड्राइविंग कर रहा है या फिर ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहा है, तो उन्होंने जो है एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसके बाद जो है आप उस नंबर पे कॉल करके जो है उस गाड़ी या मोटर व्हीकल की कंप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको उसका नंबर जो है एक बार पढ़कर बताती हूँ, ताकि आप वो नंबर जो है सेव कर ले। और अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि कहीं कोई माइनर गाड़ी चला रहा है, या फिर कहीं पर जो है कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, ओवर स्पीडिंग हो रही है, या फिर कोई भी ट्रैफिक रूल को वायलेट कर रहा है, तो आप उस नंबर पर कंप्लेन कर सकते हैं। जो नंबर है वो है 9622882555। इस नंबर पे जो है आपको कॉल करना है, 9622882555 पे कॉल करना है, और आप कंप्लेन जो है उनके खिलाफ रजिस्टर कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें, तो कुछ दिनों पहले हमने देखा टेंकपोरा बाईपास में जो इंसिडेंट पेश आया, उसके बाद से बहुत सारी चेंजेस जो है देखने को मिली। स्पेशली अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें, तो बहुत एक्टिवली उन्होंने इन दिनों काम किया है। जितने भी माइनर्स गाड़ी या मोटर व्हीकल चला रहे थे, उन सबको सीज किया गया। आज सुबह भी एक अफसोसनाक वाकया पेश आया साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पे वेरिना के इलाके में एक ट्रिपर ने एक 40 साल आदमी को टक्कर मारी और उसके बाद उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। ऐसे बहुत सारे केसेस जो है आए दिन हम देखने को मिलते हैं। इसी साल की बात करें तो 4000 से ज्यादा एक्सीडेंट्स जम्मू कश्मीर में पेश आए। तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए, जिसमें आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं कंप्लेन, अगर आप कहीं पर भी ऐसी चीजें देख सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं चाहती हूँ अगर कहीं पर भी आपको दिखे कि ऐसी चीजें हो रही है, रैश ड्राइविंग हो रही है, माइनर्स गाड़ी चला रहे हैं, या कोई भी ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, तो आप कोई एक जिम्मेदार इंडिविजुअल की तरह इस नंबर पर जो है कंप्लेन जरूर करें। इसी के साथ आपको मैं क्विक वेदर अपडेट भी देना चाहूंगी कि आज से 23 नवंबर तक की तो जनरली ड्राई वेदर रहेगा, खुशक साल वेदर रहेगा, कोई भी बूंदाबांदी की इम्कान जो है नहीं बताए जा रहे हैं। बात करें हम 24 नवंबर की, तो 24 नवंबर में हल्की सी बारिश देखने को मिल सकती है, और हल्की सी बर्फबारी जो है बालाई इलाकों में देखने को मिल सकती है। उसके बाद फिर से 25 से 30 नवंबर मौसम जो है एक और बार खुशकसाल ही रहेगा, कोई भी बूंदाबांदी देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ दीजिए अपनी मेजबान फजर बिलाल को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।